अरे साहब, राखी ले लीजिए ना, बहुत अच्छी है और सस्ती भी है। मेरी बहन ले लेगी ना, मैं लेके क्या करूं? अरे साहब, आप खरीद लीजिए और अपनी बहन को दे दीजिएगा। आज राखी का आखिरी दिन है, अगर कोई नहीं खरीदेगा राखी तो मैं अपना घर कैसे चलाऊंगी, इसलिए आप ले लीजिए ना। अच्छा ठीक है, दीजिए मुझे। अब हाँ, ये लीजिए। ये लीजिए। देख पूजा, ये राखियां मैंने खरीदी है, कैसी है? अरे भैया, ये कैसी राखी उठाकर लाए हो, ये तो बिल्कुल अच्छी नहीं है। क्यों, क्या बुराई है इन राखियों में, अच्छी तो है। भैया आजकल मार्केट में बहुत अच्छी अच्छी राखियां मिल रही है, उनके सामने तो ये कुछ भी नहीं। पूजा राखी कैसी भी दिखती हो, पर वो तो राखी है ना। नहीं भैया, मैं बांधूंगी तो अच्छी राखी ही बांधूंगी, ये लाल कलर का धागा नहीं बांधूंगी। इसलिए आप जहाँ से ये राखी लाए हो ना, इसे वापस दे आओ, मैं नहीं बांधूंगी इसे। पूजा मुझे कॉल पर जरूरी बात करनी है, तू एक काम कर, हमारे घर के बाहर एक औरत बैठी है, तू ही ये राखी उसे वापस लौटा दे, ले। ठीक है। वापस दे ही आती हूँ गंदी सी राखियां। अब इस औरत को कहाँ ढूंढूं? माँ, माँ, मुझे मिठाई खानी है। हाँ बेटा, मैं तेरे लिए मिठाई लूंगी और तेरे और तेरी छोटी बहन के लिए नए कपड़े भी लूंगी, पर उससे पहले हम ये सारी राखियां बेच देते हैं, ठीक है? हाँ ठीक है माँ। सुनिए। हाँ, वो अभी कुछ देर पहले ये राखियां मेरे भैया लेकर गए थे। हाँ तो क्या? तो वो क्या है ना, मुझे ये राखियां बहुत अच्छी लगी, तो आपके पास ऐसी राखियां और है क्या? मुझे चाहिए थी। अब है ना, बहुत सारी राखियां हैं, ये सारी वैसी ही है, ये लीजिए। अब ये लो राखी के पैसे। और ये लो। अरे पर ये पैसे? अरे रख लो, ये मैं अपनी खुशी से दे रही हूँ, इससे तुम अपने बच्चों के लिए मिठाई और नए कपड़े लाना, लो। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हैप्पी रक्षाबंधन। चलो फाइनली इसे ये समझ आ ही गया कि राखी की कीमत उसकी बनावट से नहीं बढ़ती, बल्कि भाई बहन के प्यार से बढ़ती है।